सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप अपने फ़ोन पर पाइए। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड सिस्टम वेबव्यू क्या है, व्हाट इज एंड्रॉयड सिस्टम वेबव्यू। इसका बार बार गूगल पे प्ले स्टोर पे अपडेट आता है, आप इसे अपडेट कर देते हो लेकिन इसकी यूजेज के बारे में नहीं पता था। दोस्तों आज मैं इसका बताऊंगा यह यूज इसलिए इसका यूज किया जाता है और क्यों फ़ोन में दिया जाता है। दोस्तों मैं हिमांशु हूँ और आप देख रहे हैं फंजून डिटेक्टिव। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो यह आपको हमेशा बार बार अपडेट करने के लिए देता है एंड्रॉयड सिस्टम वेबव्यू। इसका काम क्या है दोस्तों, यह गूगल के सभी एप्लीकेशन से कनेक्ट है, मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। यह गूगल का ही एप्लीकेशन है, गूगल के सारे एप्लीकेशन से कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे ले लीजिए, यूट्यूब पे अगर आप कोई भी लिंक, जैसे किसी भी वीडियो का लिंक पे अगर डायरेक्ट क्लिक करते हो, जैसे मैंने ये लिंक पे क्लिक किया, तो यह हमसे आस्किंग नहीं कर रहा है जो क्या कौन से ब्राउज़र आप यूज करना चाहते हो, क्रोम यूज करना चाहते हो या फायरफॉक्स या ओपेरा मिनी या यूसी ब्राउज़र। पहले क्या होता था 2016 के लास्ट तक में इसकी प्रचलन बहुत बढ़ गई और बहुत तेज़ी से यह आगे बढ़ा है। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, हमें वहाँ पर आस्किंग दिया जाता था आप कौन से ब्राउज़र का यूज करना चाहते हो, लेकिन इसके आने के बाद यहाँ पर आस्किंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता है या अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से इसे ओपन कर देता है। जिस तरह देखिए आप कोई भी लिंक डालिए ये ओपन हो गया, यह इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है जो खुद ब खुद यह डिटेक्ट करता है और इसे ओपन कर देता है। जैसे हम फेसबुक की ही बात करें, अगर फेसबुक पे भी अगर आप जाते हैं कोई भी लिंक या कोई भी चीज़ खोलते हैं, या आपसे फेसबुक भी पहले क्या करता था, मतलब आपसे ये पूछता था कौन से ब्राउज़र से आपको इस साइट को खोलना है, कौन सा यूज करना चाहते हो, तो अब ऐसा नहीं होता। इसका यही का उपयोग है कि आपको ब्राउज़र सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आपको फेसबुक में ही खुल जाएगा। जैसे आप फेसबुक से कुछ भी खोलना चाहते थे तो आपको ये ब्राउज़र मिल जाता, फिर वहाँ पे सर्च करता, उसके बाद वहाँ पे खोलता, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों आपके अगर फ़ोन में एंड्रॉयड वेब व्यू नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके। अगर इसकी डाउनलोड की बात की जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी 1 बिलियन डाउनलोड है। बहुत कम ही एप्लीकेशन है जिसकी 1 बिलियन डाउनलोड है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।